मुसलमानों के हिमायती बनने चले थे चंद्रशेखर, मंच से ही मोदी योगी पर बरसने लगे चंद्रशेखर, भड़क गए मुस्लिम, मंच पर ही करने लगे विरोध, जंतर मंतर पर गूंजे चंद्रशेखर वापस जाओ के नारे। यूपी से नए नए सांसद बने चंद्रशेखर लगता है मुसलमानों के वोट बैंक के दम पर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, इसीलिए बहराइच कांड, वक्फ बोर्ड, पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित बयान जैसे मुद्दे उठाकर लगातार मुसलमानों का हमदर्द बनने की कोशिश कर रहे हैं। यही कोशिश 20 अक्टूबर को उन्होंने राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर मैदान पर की, लेकिन विरोध प्रदर्शन में जुटे मुसलमानों का गुस्सा इस कदर भड़का कि चंद्रशेखर को ही मंच से भगा दिया। दरअसल जंतर मंतर पर धार्मिक अपमान नहीं सहेंगे नाम से एक संविधान संसद का आयोजन किया गया था, जिसमें पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बयान, वक्फ बोर्ड संशोधन कानून, मुस्लिम धर्म गुरुओं पर मुकदमे जैसे मुद्दे उठाए गए थे। और इस विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर को बनाया गया था, जिन्होंने मंच संभालकर बोलना शुरू ही किया था कि उनकी जुबान से सियासी तीर चलने लगे। उन्होंने मोदी सरकार से लेकर योगी सरकार तक किसी को नहीं बख्शा, जिससे वहां मौजूद मुसलमान इस कदर भड़क गए कि चंद्रशेखर के खिलाफ ही विद्रोह छेड़ दिया और मंच पर चढ़कर चंद्रशेखर वापस जाओ के नारे लगने लगे। हम पॉलिटिकल रुख नहीं देना चाहते, हम पॉलिटिकल रखना नहीं चाहते, नहीं बिल्कुल नहीं रखना चाहते, इसको पॉलिटिकल रुख देना नहीं चाहते, बिल्कुल पॉलिटिकल रुख नहीं देना चाहते। परमिशन हमारे ऊपर समीन ने लिया, इसके हमारे पास है, इमरान ने, हमने ले रखी है, इमरान समीर, अरे हमने ले रखी है। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पर अपनी राजनीति चमकाने पहुंचे चंद्रशेखर को लगा मोदी और योगी को कोसकर मुसलमानों के बीच अपना भोकाल टाइट कर लेंगे, लेकिन ये दांव लगता है उल्टा पड़ गया, क्योंकि विरोध प्रदर्शन के मंच का राजनीतिक इस्तेमाल मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं हुआ और उनका विरोध शुरू कर दिया। और अब इस मामले को लेकर चंद्रशेखर की सोशल मीडिया पर भी खूब फजीहत हो रही है। प्रीत बोध नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, यह सदी के नायक चंद्रशेखर आजाद जो नगीना से सांसद हैं, वक्फ बिल संशोधन के खिलाफ मुसलमानों ने धरने का आयोजन किया था, जिससे महाशय के द्वारा जबरदस्ती इस धरने को पॉलिटिकल पार्टी का रूप देने का काम किया गया, लेकिन मुसलमानों ने खुलेआम धक्का मारकर मंच से नीचे उतार दिया। अनामिका गौर नाम के यूजर ने लिखा, चंद्रशेखर आजाद खुद को मुस्लिम समाज का नेता घोषित कर चुके हैं, लेकिन रविवार को जंतर मंतर में मुस्लिम समाज के प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे तो मुस्लिम समाज के लोगों ने चंद्रशेखर के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। आरोप लगाया कि चंद्रशेखर आजाद ने मुसलमानों का प्रोटेस्ट हाईजेक किया। सिद्धार्थ मौर्य नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, खुद को चंद्रशेखर रावण बहन मायावती जी का विकल्प बताता है, देखो इसकी क्या हालत हो गई, मुस्लिम समाज ने मन से भगा दिया, भाई कितनी अपनी बेइज्जती करवाएगा, बहन जी बनने के लिए 100 जन्म लेने पड़ेंगे। कुणाल एकलव्य नाम के एक यूजर ने लिखा, आज जंतर मंतर दिल्ली में वक्फ बोर्ड कानून संशोधन के विरोध में मुस्लिम धर्म गुरुओं का समर्थन देने पहुंचे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को एजेंट बताकर मुस्लिम समाज ने मंच पर विरोध कर दिया। मुसलमानों ने चंद्रशेखर को मंच से भगाया तो सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कुछ इसी तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी, तो वहीं खुद चंद्रशेखर ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। देखिए, आज जो प्रोटेस्ट था दिल्ली की टीम ने बुलाया था, वो वक्त अमेंडमेंट एक्ट में जो संशोधन हो रहे और जो जिस तरह से धार्मिक भावनाओं को जो है जो ईष्ट हैं धर्मों के उनको के खिलाफ जिस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं, देश को अस्थिर करने का, माहौल खराब करने का काम जो किया जा रहा है, जिस तरह से चाहे हिमाचल हो या बहराइच में जो है एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, टारगेट किया है, लोगों के घर जलाए गए, उनके मुआवजे का क्या होगा, मैं वहां जाना भी चाहता हूं, उसके लिए भी पार्टी जो है प्रिपरेशन कर रही है, इन सब चीजों को लेकर
आज दिल्ली की टीम ने एक प्रोटेस्ट बुलाया था। और जब हम अपनी लड़ाई को लड़ने जाते हैं तो विरोधियों को जो लोग चाहते हैं कि इस देश में कमजोरों पर जुल्म होता रहे वो उसको रोकने का काम करते हैं। इस तरह की षड्यंत्रों साजिशों से हम लोग डरने वाले नहीं। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि चाहे कितने भी षड्यंत्र साजिश कर ले जाए, जब कमजोरों के खिलाफ जुल्म होगा, उनकी धार्मिक भावनाओं को या किसी भी धर्म की धार्मिक भावनाओं को अगर भड़काने का या उनको प्रकोप करने का काम किया जाएगा तो फिर मैं संविधान के आधार पर लड़ाई को लड़ने का। आपको बता दें, यूपी की नगीना लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर पहली बार सांसद बने चंद्रशेखर लगातार मुसलमानों से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, इसलिए मोदी सरकार वक्फ कानून में संशोधन के लिए लेकर आई तो सांसद चंद्रशेखर ने उसका भी विरोध शुरू कर दिया। योगी सरकार ने गुंडे बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की तो चंद्रशेखर को इससे भी दिक्कत होने लगी और बुलडोजर कार्रवाई का ही विरोध करने लगे। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि चंद्रशेखर मुसलमानों से जुड़ा कोई भी मुद्दा नहीं छोड़ना चाहते। यही वजह है कि जंतर मंतर पर भी चंद्रशेखर मुसलमानों के हिमायती बनकर पहुंचे जरूर थे, लेकिन मुसलमानों ने उन्हें भगा दिया। चंद्रशेखर के खिलाफ मुसलमानों के इस विरोध पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चंद्रशेखर ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ईष्ट हैं धर्मों के, उनको के खिलाफ जिस तरह की टिप्पणियां की जा रही है, देश को अस्थिर करने का, माहौल खराब करने का काम जो किया जा रहा है, जिस तरह से चाहे हिमाचल हो या बहराइच में जो है एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, टारगेट किया, लोगों के घर जलाए गए, उनके मुआवजे का क्या होगा, मैं वहां जाना भी चाहता हूं, उसके लिए भी पार्टी जो है प्रिपरेशन कर रही है। इन सब चीजों को लेके आज दिल्ली की टीम ने एक प्रोटेस्ट बुलाया था। और जब हम अपनी लड़ाई को लड़ने जाते हैं तो विरोधियों को जो लोग चाहते हैं कि इस देश में कमजोरों पर जुल्म होता रहे वो उसको रोकने का काम करते हैं। इस तरह की षड्यंत्रों साजिशों से हम लोग डरने वाले नहीं। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि चाहे कितने भी षड्यंत्र साजिश कर ले जाए, जब कमजोरों के खिलाफ जुल्म होगा, उनकी धार्मिक भावनाओं को या किसी भी धर्म की धार्मिक भावनाओं को अगर भड़काने का या उनको प्रकोप करने का काम किया जाएगा तो फिर मैं संविधान के आधार पर उस लड़ाई को लड़ने का काम करूंगा। या किसी एक धर्म के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई, हिंसा जिस तरह की बहराइच में देखने को मिल रही है, मैं पहला शख्स था जिसने जिस बच्चे की जान गई है उसके लिए कार्रवाई की मांग की। साथ साथ उस कार्रवाई की आड़ में जिस तरह बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम देने का सरकार प्रयास कर रही, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी नए नए कानूनों की बात करके, ये भी किसी छिपा हुआ नहीं कि इनका एकमात्र मकसद जो है एक बड़े समुदाय में भय पैदा करना है, उनको डराना, क्योंकि सरकारें भी जानती हैं कि उनके लिए उनके पक्ष में बोलने वाला कोई है नहीं। तो सर, बहराइच में जो हिंसा हुई उसके बाद जो पकड़ा होने पर भागने की प्रार्थना में थे, उस पूरी घटना को आप कैसे देख रहे हैं? मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो घटना हुई क्यों? क्या अगर किसी तय रूट पे कार्यक्रम हो रहा है तो क्या वहां पुलिस सुरक्षा व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? जिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने परमिशन दी है, जिस लोकल थाना ने, सीओ ने परमिशन दी है, तो क्या उसकी निगरानी करना, उसमें कानून व्यवस्था बहाल रहे, इस तरह की जो एक जब भीड़ निकल गई है उनकी जो है देखरेख करना, एक सुरक्षा का माहौल देना, क्या एडमिनिस्ट्रेशन का और पुलिस का काम नहीं है? तो ये सरकार का फेलियर है, ये पुलिस का फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, और उसकी वजह से जिस तरह के हालात बने और अब जो है एक बहुत बड़ी हिंसा जो है गरीबों के जो घर जलाए गए उसके रूप में, या जो इस तरह से अब जो है एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है भय पैदा करने के लिए, इनसे स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश में न्यायपालिका की कोई जरूरत नहीं है। अब सरकार कानून होगी और सरकार के हिसाब से ही कानून व्यवस्था चलेगी, ऐसा जो है माहौल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बनाना चाहते हैं। एक बयान योगी जी देते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, इस पे इसको आप कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? भारत में जो हिंदू धर्म की धार्मिक व्यवस्था है उसमें ऊंच नीच है, जबकि मैं मानता हूं कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन वहां दूसरी तरफ इसी ऊंच नीच की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को हिंदू धर्म को त्यागा और उन्होंने संकल्प किया था येवला में कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, क्योंकि वो लंबे समय तक प्रयास करते रहे कि हिंदू धर्म में जो ऊंच नीच की भावना सनातन में उसको खत्म किया जाए,
सब लोग मिलजुल के रहें और जाति के आधार पर किसी का अपमान ना हो, सभी को बराबर का सम्मान मिले, चाहे वो धार्मिक स्थलों पे हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे तरक्की के क्षेत्र में हो या गांव देहात में, किसी के साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना हो। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर भी समझाते समझाते विफल हो गए, तो मुख्यमंत्री जी को, और मैंने कहा था कि आरएसएस प्रमुख को और प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले काम ये करना चाहिए कि आज उनके पास पावर है तो जाति विहीन समाज बनाने की व्यवस्था करनी चाहिए, फिर बट नहीं पाएंगे, कटने की स्थिति तो बनेगी नहीं। इस देश में बहुसंख्यक रूप को ना कोई बांट सकता ना काट सकता, बांटा जिन लोगों ने वो व्यवस्था मैंने आपको बता दी जो ऊंच नीच की भावना पैदा करती है। तो अगर उस व्यवस्था का को डायनामाइट लगा के उड़ा दिया जाए, वो व्यवस्था जो ऊंच नीच पर आधारित है धार्मिक व्यवस्था, उसको खत्म कर दिया जाए तो समानता आ जाएगी। और वो समानता लाने के लिए क्या भाजपा के लोग तैयार हैं, भाजपा के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तैयार हैं, या जो संगठन भाजपा को पीछे से शक्ति देता है वो संगठन तैयार है? वो समरसता कार्यक्रम चलाते हैं लेकिन समानता कार्यक्रम क्यों नहीं चलाते? मोहन भागवत जी को आदेश देना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को कि वो रात को 8 बजे या 10 बजे या 12 बजे आए और ये घोषणा करें कि आज के बाद कोई जाति नहीं होगी देश में, सब भारतीय होंगे और भारतीय होने पर गौरव महसूस करेंगे। कोई जाति का जो है, जाति के आधार पर ना किसी को सताया जाएगा और ना ही कोई जाति का दम लेकर किसी पर जुल्म कर पाएगा, ये दोनों व्यवस्था नहीं चलेगी, सब इंसान बराबर होंगे। आज क्या दिक्कत है? इसके लिए प्राइम मिनिस्टर किसी परमिशन की जरूरत है? इसके लिए ना पाकिस्तान से परमिशन लेनी है, ना अफगानिस्तान से परमिशन लेनी है, ना इजराइल से परमिशन लेनी है, ना चाइना से परमिशन लेनी है, ना बांग्लादेश से परमिशन लेनी है। तो हमारे देश का मामला है और आप पावर में, आप ऐसा तो नहीं पावर में नहीं है? जब आप इनको नहीं चाहते बटना दे, तो बटने की शुरुआत कहां से हुई? बटने की शुरुआत उस धर्म के आधार पर जो व्यवस्था बनी उससे हुई है जो छोटा बड़ा ऊंच नीच की भावना पैदा करती है। तो इस भावना को सबसे पहले खत्म करना पड़ेगा, तभी शायद मुख्यमंत्री बात कहें तो अच्छा लगेगा। सर, अंत में एक प्रश्न है, 9 सीटों पे असेंबली सीटों पे उपचुनाव है, कैसी तैयारियां हैं? स्टेट की टीम अपना अपना काम कर रही है और जहां तक उत्तर प्रदेश की मुझे जानकारी है, वहां प्रदेश की टीम ने शायद 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इसी तरह से राजस्थान की टीम भी जल्द अपने फैसले लेगी और इसी तरह से बिहार की टीम भी शायद आजकल में अपने फैसले लेगी और झारखंड में भी जो आने वाला चुनाव है, आम चुनाव, उसके लिए भी पार्टी ने कमर कस ली है। जहां तक मेरा मानना है कि जहां जहां पार्टी का संगठन मजबूत है, पार्टी को के दावेदार जो हैं, पार्टी मीटिंग में तय हुआ कि वो मजबूती से उतरेंगे और चुनाव लड़ेंगे।